किसी ने बड़े कमाल की चीज कही है कि मोहब्बत के बारे में ज्यादा तो नहीं समझती मैं, मोहब्बत के बारे में ज्यादा तो नहीं समझती मैं, लेकिन जब तुम सामने आ जाते हो तो तलाश खत्म हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आरजे सरोस्वामी में। दोस्तों मुझे थोड़ी खांसी हो गई थी तो मेरा गला खराब है और इतने दिन से वीडियो इसीलिए नहीं बना पाई मैं, और बीच में गाँव भी चली गई थी तो एडजस्ट कर लेना, आवाज खराब है तो क्या हुआ। स्टोरी बहुत अच्छी लेके आई हूँ, वैलेंटाइन डे स्टोरी लेके आई हूँ मैं आपके साथ। और ये स्टोरी है सिंगल दोस्तों के लिए जो ये सोचते हैं कि नहीं रिलेशनशिप तो होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो चलिए सुनते हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल स्टोरी। एक कॉलेज में फर्स्ट ईयर में 6 दोस्त थे, वो इतने अच्छे दोस्त बन गए कि पूरा कॉलेज सोचता था कि दोस्ती हो तो ऐसी। उनमें भी 3 दोस्त ऐसे थे जो बहुत गहरे दोस्त थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे और उनका नाम था राहुल, साक्षी, विजय। टाइम के साथ विजय को रियलाइज होने लगा कि राहुल और साक्षी के मन में दोस्ती से ज्यादा भी कुछ है। तो उसने एक बार राहुल और साक्षी को टाइम दिया, मिलाया बात करने के लिए, तो उनकी दोस्ती रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई और बहुत अच्छे से वो रिलेशनशिप में रहने लगे। कॉलेज में फेस्टिवल होते रहते थे लेकिन उनके रिलेशनशिप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विजय उनके रिलेशनशिप को आगे बढ़ाए जा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि उनके दोस्त हमेशा प्यार से रहे, खुश रहे। तो वो हमेशा उनके साथ रहता था, उनकी हर बात में सपोर्ट करता था, कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उन्हें समझाता था, तो उनकी दोस्ती उनका रिलेशन चलता रहा। लेकिन इसी बीच राहुल को ये रियलाइज होने लगा कि साक्षी बड़ी डिमांडिंग है, उसे पार्टी, गिफ्ट वगैरह बहुत कुछ चाहिए। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि कुछ मोमेंट भी ऐसे होते हैं जो यादगार होते हैं, सिर्फ गिफ्ट ही ऐसे नहीं होते। वो ये सब साक्षी को नहीं समझा पाया और ऐसे करते करते वो महीना भी आ गया जिसका ये रिलेशनशिप वाले बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, फरवरी का महीना। साक्षी ने फिर से वही बात की और बोलने लगी कि वाओ, चॉकलेट डे आ रहा है, प्रपोज डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो मुझे बहुत सारी गिफ्ट दोगे, हम गिफ्ट के साथ एंजॉय करेंगे, हम घूमने जाएंगे, हम पार्टी करेंगे, ये सब बोल दे। वो बहुत खुश थी और अचानक पता नहीं राहुल के दिमाग में क्या आया और उसने तुरंत बोल दिया कि मुझे 1 वीक के लिए घर जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। साक्षी को तुरंत पता चल गया कि राहुल झूठ बोल रहा है, उसके साथ रहना नहीं चाहता है। तो उसने राहुल को बोला कि अगर तुम्हें मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करना है तो तुम मुझे साफ साफ बोल दो, झूठ क्यों बोल रहे हो। वो इतना बोल के वहां से चुपचाप चली गई। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, वो नाराज हो गई थी, गुस्सा हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वैलेंटाइन वीक के पहले ही उनका ब्रेकअप हो गया हो। वो उदास था, वो अपने दोस्त विजय के पास गया और बोला कि हमारा झगड़ा हो गया है, मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, वो नाराज हो गई है, वो गुस्सा है, अब मैं क्या करूं। तो विजय ने बोला कि तू टेंशन ना ले, तू आराम कर। और फिर आया वैलेंटाइंस डे और वैसे भी राहुल को कहीं जाना तो था नहीं, वो कॉलेज में ही था। विजय ने शाम को राहुल को कॉल किया कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम जल्दी से इस लोकेशन पे आ जाओ। तो राहुल लोकेशन पे पहुंचा तो वो देखता है कि बहुत अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई है, बहुत सारी गिफ्ट है, खाने का है, सब कुछ मैनेज कर रखा है। वहीं पे जब साक्षी ने राहुल को देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो बोलने लगी, मुझे पता था तुम मेरे लिए सरप्राइज दोगे, मुझे इतना अच्छा सरप्राइज दिया तुमने, थैंक यू, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम बॉयफ्रेंड हो, ये वो बोलने लगी। राहुल को समझ में आ गया कि ये सब अरेंजमेंट विजय ने किया है, इतना खर्चा विजय ने किया है, क्योंकि वो तो मिडिल क्लास फैमिली से था, उसके पास इतना बजट था नहीं। और वैसे भी कॉलेज टाइम में सबके पास एक टाइट बजट रहता है जिसको लेके मैनेज करना पड़ता है, लेकिन विजय ने अपने दोस्त के लिए इतना सब कुछ किया। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, राहुल ने साक्षी को बोल दिया कि तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, तुम्हारी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, तो हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते।
ऐसे बोल के उन्होंने तो ब्रेकअप कर लिया, वो चली गई वहां से। राहुल विजय के पास गया और बोला कि थैंक यू, तुम ही मेरे अच्छे दोस्तों, सबसे अच्छे दोस्तों, आई लव यू, तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू। और इन सब के बाद में विजय एक ही बात बोलता है कि चिंता मत करना, अभी भाभी का आना बाकी है। दोस्तों इस स्टोरी से हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है, चाहे दुनिया में हमारे पास सब रिलेशन हो, फैमिली हो, परिवार हो, लेकिन अच्छे दोस्त होना, सच्चे दोस्त होना बहुत जरूरी है। और वो दोस्त ही ऐसे हैं जो लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, प्यार भी करते हैं और डांट फटकार भी लगा देते हैं, लेकिन वो हमारा हमेशा भला चाहते हैं। दोस्तों मैं तो यही प्रार्थना करूंगी भगवान से कि आपकी लाइफ में भी ऐसे अच्छे और सच्चे दोस्त आ जाएं और वो फिर कभी नहीं चाहे। और रही रिलेशनशिप की बात, वो तो हो ही जाएगा, उन्हें संभालने के लिए पहले दोस्त बना लीजिए, फिर रिलेशनशिप बनाइए। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डुकिनों का पार नहीं होती। दोस्तों अच्छे दोस्त ढूंढते रहिए, मिल जाएंगे कभी ना कभी, कोशिश करते रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं या नहीं हैं, और आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।